जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जीवन के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। मेरा धर्म है आपको जागृत करना, परंतु सोते रहोगे तो जीवन में कष्ट अवश्य आएगा और जाग जाओगे तो कष्ट से निजात भी मिल सकती है और कष्ट से बच भी सकते हो या कष्ट को छोटे रूप में भी ले सकते हो। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जीवन में कष्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। रहस्यमय ज्ञान ये है कि जिस स्त्री की कुंडली में मंगल आठवें भाव में बैठा हुआ हो, यानी कि जन्म पत्रिका जब उठाएंगे तो जहां पर लगन शब्द लिखा रहता है उसके बिल्कुल सामने 12 खाने होते हैं, उसमें एक ये आठवें नंबर का खाना होता है लगन से, उसमें यदि मंगल लिखा हुआ हो तो ऐसी स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रीट फॉरवर्ड नियम है। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों से बचना चाहते हो, यानी कि बदनामी के दुख से बचना चाहते हो, या फिर यह कह लीजिए चरित्रहीनता के दुख से बचना चाहते हो, या फिर यह कह लीजिए लोग बाग आपके ऊपर उंगली उठाए उससे बचना चाहते हो, तो जिस स्त्री की कुंडली में लगन के जस्ट सामने सप्तम भाव होता है उसके पास वाला जो भाव होता है उसको आठवां भाव कहते हैं, और स्त्री के अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो ऐसी स्त्री मांगलिक स्त्री कहलाती है और ऐसी स्त्री के साथ कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज देकर के पूछा जा सकता है सशुल्क। तो जिस स्त्री के लगन चार्ट में अष्टम भाव में मंगल होता है ऐसी स्त्री मृग नयनी होती है, यानी थोड़ी खूबसूरत भी होती है परंतु उसका दिमाग बड़ा कुटिल होता है, षड्यंत्रकारी दिमाग वाली होती है। ऐसी स्त्री को कभी भी विवाह करके घर में नहीं लाना चाहिए, भयंकर कुटिल दिमाग वाली होती है और उसको नए नए वस्त्र और श्रृंगार आभूषण करना बड़ा प्रिय होता है, और ऐसी स्त्री पर पुरुष के बहकाव में जल्दी आ जाती है, यानी चरित्रहीन हो जाती है। वह पर पुरुष के साथ सोने उठने बैठने में उसे कोई हर्ज नहीं होता है, और ऐसी स्त्रियां अक्सर दूसरी जात के लड़कों से विवाह करती है और कई बार विवाह होने के पहले और विवाह होने के बाद भी पर पुरुषों से उस स्त्री का शारीरिक संबंध होता है जिसके कारण वह बदनाम हो जाती है और कुल का भी लजा देती है। तो ऐसी स्त्री जो कुल को लजा दे, यानी कि पितृ दोष भयंकर लग जाता है, प्रेत दोष लग जाता है, ऐसी स्त्री को कभी घर पे नहीं लाना चाहिए, यानी विवाह तो ऐसी स्त्री से बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अब भी यदि आपके कान खड़े नहीं हुए हो और यदि दिल दिमाग नहीं चेता हो, दिमाग की घंटियां नहीं बजी हो, तो मान करके चलो
आपका दुर्भाग्य कह लीजिए इस चीज को कि आपको ऐसी स्त्री के साथ पाला पड़ने वाला है। और यदि ऐसी स्त्री आपकी लड़की हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो इसका तोड़ करिए। तोड़ का मतलब होता है पूजा पाठ होती है, दान धर्म होता है, हवन पूजन होता है, अनुष्ठान होता है। और एक अनुष्ठान से काम नहीं चलेगा, कई बार अनुष्ठान कराना पड़ता है, तब जाकर के इस दोष का कुछ अंश प्रायश्चित होता, पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। कुछ राहत आपको मिल सकती है परंतु कष्ट तो फिर भी भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी को लक्षिणी कह लीजिए, को मार्गी कह लीजिए, को योग वाली स्त्री कहा जाता है। यदि किसी मनुष्य को जन्म पत्रिका चेक कराना हो तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, सशुल्क। व्हाट्सएप नंबर है 7987237885, 9893120847 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपनी जन्म पत्रिका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो मैंने कहा है इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अष्टम भाव जिस भी स्त्री की पत्रिका में मंगल बैठा हुआ हो ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं बनाना चाहिए, ऐसी स्त्री को ब्याह करके कभी नहीं लाना चाहिए। और अपने घर में भी ऐसी स्त्री उत्पन्न हो गई है तो उसका विधि विधान से बहुत समय तक आपको पूजा पाठ कराना है, उस मंगल की शांति कराना है, अष्टम भाव की शांति कराना है। और इस कार्य के लिए बहुत सारी पूजाएं होती है, वह पूजा आपको कराना होगी। क्या पूजा कराना होगी इसके लिए आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करना होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना हो, सर्टिफिकेट कोर्स लेना हो तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न ज्योतिष के ऊपर कोर्स चलाए जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेस भी हैं। आपको किताबें भी दी जाएगी और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। संपर्क कर सकते हैं। जैसे जिंदगी में कौन कौन से कष्ट आने वाले हैं इसका निर्धारण कैसे करें, विवाह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी जिंदगी में कितने कष्ट आएंगे कितने सुख आएंगे, ये सब चीज़ के ऊपर कोर्सेस हैं, अलग अलग कोर्सेस हैं। जैसे कि संतान योग होगा या नहीं होगा, विवाह होगा या नहीं होगा, कब होगा, अल्पायु है या अधिक उम्र है, इस प्रकार का कोर्स, कौन कौन से रत्न धारण करना चाहिए, किसको धारण करना चाहिए, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोर्सेस हैं। हर कोर्सेस सशुल्क है और प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाएगा। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, पर्सनली व्यक्तिगत तौर से आकर के भी सीखा जा सकता है, सबके लिए चार्जेस निर्धारित हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।